नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंटर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाबनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर हिमाचल प्रदेश में मौसम का कहर लगातार जारी है। प्राकृतिक आपदा ने भी कहर बरपाया है, जिसकी वजह से कांगड़ा में 12 लोगों ने जान गंवाई है और 2 लोग अभी भी लापता है। आपको बता दें कि कांगड़ा में अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं कुछ दिन पहले कुल्लू की स्वेंज घाटी की बलहण 2 पंचायत के जौली नाले में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने तबाही मचाई। इस दौरान लोगों के घरों में बारिश के पानी के साथ साथ मलबा जा घुसा, जिसकी वजह से घर में रखा राशन और सामान खराब हो गया। इतना ही नहीं, किसानों की फसलें, सड़कें, सरकारी संपत्ति, बिजली परियोजनाएं, पेयजल परियोजनाओं को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आश्वासन दिया है कि वो नुकसान की भरपाई करेंगे और प्राकृतिक आपदा की वजह से बेघर हुए सभी लोगों को घर मुहैया कराया जाएगा। साथ ही घायलों और मारे गए लोगों के परिजनों को बचाव कार्य खत्म होने के बाद मुआवजा देंगे। तो कांगड़ा में अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है लगातार। आपको बता दें, हिमाचल में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीते कई दिनों से लगातार हो रहे बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, कांगड़ा में अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है, जिससे लोगों को और घरों में रखे सामान को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा था। आपको बता दें, कांगड़ा में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 3 लोग लापता है, जिनका सर्च ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल के कई ज़िलों में आप देख सकते हैं कि बाढ़ की स्थिति भी आ चुकी है, जहां पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांगड़ा में हुए हादसे के बाद 12 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग अभी भी लापता है, जिनका सर्च ऑपरेशन जारी है। कांगड़ा में अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। तो हिमाचल में आपको बता दें, आने वाले दिनों में येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मलबे के साथ साथ लोगों के घरों में भी पानी घुसा। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, बीते दिनों आपने देखा कि जिस तरह भारी बारिश हुई थी, उसके बाद लोगों के घर के अंदर मलबा घुस गया था, जिससे घरों में रखा सामान भी खराब हो गया। इसके साथ ही लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सीएम जयराम ठाकुर ने जितने भी नुकसान हुए भरपाई का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही जो लोग बेघर हुए हैं, उनको भी मदद पहुंचाने की भी बात कही है। तो ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह भारी बारिश जो है हिमाचल में तबाही मचा रहा है। और कांगड़ा में करीब 12 लोगों की मौत हुई थी भारी बारिश के दौरान। वहीं अभी भी कांगड़ा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिनमें 12 लोगों की मौत हुई थी और 2 लोग अभी भी लापता है। उन 2 लोगों की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान लोगों को पहुंचा है। फिलहाल लोग कितने दहशत में हैं, लोगों को कितने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें, हिमाचल में लगातार मौसम अपना कहर बरपा रहा है और इसी कारण आम जन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आम जन अस्त व्यस्त हो चुका है। कांगड़ा में हुए हादसे के बाद अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हादसा इतना भयंकर था कि लगातार हो रही बारिश के वजह से मलबा जो है वो टूटकर लोगों के घरों में जा घुसा और घरों के अंदर राशन का सामान और जो भी सामान था उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा। इसके साथ ही लोगों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। वहीं कई लोग जो है घर से बेघर भी हुए हैं। हालांकि सीएम जयराम ठाकुर ने लोगों को मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही जितना भी नुकसान हुआ है, उन सभी का भरपाई करने की भी बात सीएम जयराम ठाकुर ने कही है। वहीं जो लोग बेघर हुए, उन्हें भी जल्द से जल्द घर मुहैया कराने की भी बात सीएम ने कही है। इसके साथ ही सीएम ने कहा, आने वाले समय में मौसम को देखते हुए तैयारियाँ जो है कर ली गई है। और आपको बता दें कि हिमाचल में लगातार मौसम अपना कहर बरपा रहा है और सबसे ज़्यादा नुकसान और मौसम का कहर जो है कांगड़ा में देखने को मिला। बीते दिनों कांगड़ा से जो तस्वीरें आई थी वो काफ़ी विचलित कर देने वाली थी। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि भारी बारिश के कारण किस तरह आम लोग जो है फंसे हुए हैं और आम लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कांगड़ा में जो हादसा हुआ था मौसम की वजह से, उसमें 12 लोगों की करीब जान चली गई, वही 2 लोग अभी भी लापता है, जिनके लिए बचाव कार्य अभी भी जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। उन दोनों की तलाश में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि भारी बारिश के बीच मलबा जो है घरों में घुस गया, जिसके वजह से घरों में रखा सामान जो है वो खराब हो गया, घर में रखे राशन भी खराब हो गए और इसके साथ ही
लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही कई लोग ऐसे हैं जो बेघर हो गए और बेघर लोगों को सीएम द्वारा आश्वस्त किया गया है कि जल्द से जल्द उन्हें घर भी मुहैया कराया जाएगा। और जो लोग भी परेशान हैं, जिन लोगों को भी इसमें नुकसान पहुँचा है, सीएम ने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द उन्हें हर संभव मदद की जाएगी और सभी नुकसान की भरपाई की जाएगी। आपको बता दें कि लगातार हिमाचल में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हिमाचल के कई ज़िलों में बाढ़ जैसी स्थिति है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण आप देख सकते हैं कि किस तरह आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों को अब उनकी ज़िंदगी जो है पटरी में आने के लिए काफ़ी वक्त लग रहा है। लोगों में दहशत का भी माहौल है। हालांकि हिमाचल के सीएम द्वारा लोगों को आश्वस्त किया गया है कि जल्द से जल्द जो भी नुकसान हुआ है सरकार उसकी भरपाई करने की कोशिश करेगी और जो लोग मुसीबत में उन्हें भी मदद दी जाएगी। तो आपको बता दें कि लगातार मौसम विभाग द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में येलो के साथ साथ ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में 18 और 19 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और उसके बाद येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है, अलर्ट के पहले ही अलर्ट के दौरान वहीं इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। धन्यवाद। तो केवल जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें हिमाचल से सामने आ रही है और आने वाले वक्त में भी अलर्ट जारी किया गया है, क्या लगता है हिमाचल में क्या तैयारियां फिलहाल है? जहाँ तक ये सापर विधानसभा क्षेत्र के गो में जो पिछले 4 दिन पहले घटना हुई है जी, अब दो 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 10 जो है वो कुल मिलाकर 8 डेड बॉडीज वो वहाँ से निकाल ली गई हैं और मैं कहता हूँ बड़ा भयंकर नुकसान हुआ है, चाहे वो बादल फटा है। इसी के साथ साथ लगते सबसे ज़्यादा नुकसान जो है सापर विधानसभा क्षेत्र के अपर खड़ी हुई बिरला रवा और हमारे हरजोर में हुआ है और कुल मिलाकर ये इस बरसात की पहली ही बड़ी बरसात थी। और मैं आपको बता दूं कि अगर हेलीकॉप्टर की सेवा, क्योंकि मैं सबसे पहले वो पहुंचा था और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर और पुलिस के एसपी भी वहां पहुंचे थे, अगर वहां पे हेलीकॉप्टर सेवा दी जाती तो और उनको राहत होती। मैं आपको बताऊं कि डिजास्टर मैनेजमेंट और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट तो इतना एक्सपोज हुआ है कि दूसरे दिन शाम को वो रास्ता खोल पाए, इतनी प्रायोरिटी उनकी थी, नाम मात्र को लेकर उनको जो है वो सहायता दी जा रही थी। फिर जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये मामला उठाया तो मुख्यमंत्री महोदय अगले दिन आए, उस दिन जाके ये रोड शुरू हुआ। लेकिन जहां मुख्यमंत्री का हम धन्यवाद भी करना चाहते हैं, खुद वो यहां आए और जहां तक ये पीडब्ल्यू विभाग और डिजास्टर मैनेजमेंट हो वो टोटल यहाँ पे फेल हुई है, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर सेवा नहीं दी जाती, अगर मैं कहता हूँ 4-5 घंटे में अगर रास्ता भी खोल दिया जाता तो हो सकता जो 5 या 6 लोग इस सापर विधानसभा क्षेत्र के वो घाटी में बचते हैं तो ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता था। कल खड़ी बेई और अपर खड़ी बेई और सब जगह का हमने दौरा किया और आपके साथ फोटो भी शेयर की थी। वहाँ अभी तक प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, नाम मात्र जहाँ पे घटना हुई है उससे 6 किलोमीटर दूर से ही वर्तमान विधायक और मंत्री जो है वो टाटा बाय बाय करके आ गई है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने और स्थानीय लोगों ने, मैं कहता हूँ लोअर खड़ी बेई में 90 लोग और अपर खड़ी बेई में 30 लोग, 2 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था। सरकार का नाम मात्र आदमी भी वहां नहीं पहुंचा तो सरकार को, और हमने कल ही शाम को माननीय जिला अधीक्षक महोदय से रिक्वेस्ट की है और वहां की स्थानीय जनता ने और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने वहां पे खाने का इंतजाम और लोकल लोगों के पास जो है लोग ठहरा जाए, तो हमारी तो सरकार से यही मांग है कि, और इसके साथ साथ अभी भी लोग जो है जो बेघर हुए हैं वो
जो लोग बेघर हुए हैं वो उनके लिए अब स्कूल के अंदर जो है ठहरने की व्यवस्था की गई है। हमारी मुख्यमंत्री महोदय आए थे, उस दिन हमने भी ज्ञापन दिया था। एक तो क्योंकि ऐसा लैंडस्लाइड हुआ कि ये दोबारा यही ये भी और खड़ीवी अपर खड़ीवी के लोग दोबारा वहां बस नहीं सकते। बिल्कुल मुख्यमंत्री महोदय से मेरी रिक्वेस्ट आपके पास हमारे तो साथ प्यार सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। प्यार सिंह जी आपसे ये पूछना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें देखी जा रही है और लगातार मौसम विभाग द्वारा अलर्ट भी जारी किया जा रहा है, उसके बावजूद भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिले जहाँ पर लोगों को इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्या लग रहा है कहाँ कमी रही है? मुझे लगता है ये एक प्राकृतिक आपदा है और मेरा विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य होने के नाते मैं सभी विस्थापित जो परिवार हुए हैं या जिनकी मृत्यु हुई है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। हमें इतना सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर बादल फटने की घटनाएं और भारी वर्षा के कारण भूस्खलन होना एक आम बात हो गई है जी। तो मकान बनाते वक्त हम लोग ध्यान रखें और जो प्राकृतिक स्थितियां हैं उस पर हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जहां तक इस आपदा की स्थिति में सरकार के निपटने की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल फौरी तौर पर और प्रशासन के मंत्री अन्य मंत्रीगण वहां पर गए हैं और मेरे प्रिय हमारे बड़े भाई ने अभी बताया भी है कि वे पहुंचे और लोगों को सुविधा और लोगों की सहायता के लिए NDRF की टीम, माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी विशेष ध्यान दिया हिमाचल की तरफ एकदम, और सभी लोग प्रशासन के लोग भी लगे हैं। फिर भी जहाँ कमियां हैं वहाँ स्थानीय जनता को और सभी वर्गों को उनकी सहायता के लिए लगना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल हमारे साथ हमारा संवाददाता उमेश भी जुड़ चुके हैं। उमेश सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी फिलहाल हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है, इसके साथ ही आने वाले समय में अलर्ट तो जारी कर दिया गया है लेकिन क्या लगता है क्या हालात जो है थोड़े संभलेंगे या फिर हालात और ज्यादा बदतर हो सकते हैं? चलिए उमेश से लगता है संपर्क टूट गया है। हमारे साथ एक्स मेयर संजू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजू जी आपका रुख करूंगी क्योंकि जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी बीते कई दिनों से हिमाचल में बाढ़ जैसी स्थिति भी आई है, कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, क्या लगता है क्योंकि अलर्ट तो मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया जाता है, प्राकृतिक आपदा में किसी का बस नहीं है लेकिन प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी तो होनी चाहिए और जब प्राकृतिक आपदा आती है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, आपको क्या लगता है कि क्या प्रशासन के जो कामकाज में कोई कमी रही इसके वजह से ये चीजें हुई है? मैं समझता हूं कि इसमें जो है दो तरह की चूक जो है हमारी सरकार के द्वारा जो हुई है। स्वाभाविक तौर पर ये जो अभी प्यार सिंह जी बोल रहे थे बिल्कुल, ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इस पर जो है किसी का कोई बस नहीं है, परंतु इनके निपटने के लिए जो है जो दुनिया और देश के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ सबसे पहली विफलता जो है ये उस डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम की है। क्योंकि आज हम जिस आधुनिक दौर में जी रहे हैं आज फोरकास्टिंग का सिस्टम इतना है कि आपको जो है करीब 3 महीने पहले जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि किस प्रकार का वो रेनफॉल या किस प्रकार की भारी बारिश बर्फबारी जो है हो सकती है जी। पहला ये है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट का फेलियर है सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे शहरों के अंदर जो बिना योजना के कार्य हो रहे हम शहरों को स्मार्ट सिटियों का दर्जा दे रहे हैं वो केवल मात्र कागजों के अंदर है, परंतु वाकई वो स्मार्ट सिटी है कि नहीं है? जिस तरीके से आपने देखा है कि ये जो धर्मशाला के अंदर नुकसान हुआ है, मैं समझता हूं कि ये अगर योजनाबद्ध तरीके से जो है जो पानी की निकासी है उसको किया जाए तो इस नुकसान को जो है रोका जा सकता था। और जिस तरीके से ये जो अंदर के इलाके है कांगड़ा जिला के और इवन कुल्लू के अंदर जो है कल सुबह जो है एक वो कह रहे हैं कि भारी बारिश हुई है, तो उसके अंदर जो है अगर सही रूप में जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो हमारा कार्यक्रम है स्टेट के लेवल पर, जिला के लेवल पर और निचले स्तर तक अगर हम उसको सही रूप से करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे इसमें जो है जिस प्रकार की अभी मौतें इसमें हुई है, मैं समझता हूं ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है और जिस तरह से लोग जो है प्रभावित हुए उनके मकान गए हैं, आज उनको जो है रहने की जगह नहीं है। अभी पठानिया जी कह रहे थे कि प्रशासन आज भी जो है
इतने दिन बीतने के बावजूद भी उनको राशन नहीं उपलब्ध करवा पा रहे। मैं समझता हूं कि सरकार को ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रोग्राम है इसको केवल मात्र जो है कागजों तक सीमित ना रखे, ये जो हमारी जितनी अथॉरिटीज बनी है स्टेट के लेवल पर जिला के लेवल पर उसको करे। और हद की बात तो ये है कि जब अभी कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी तो एक मंत्री महोदय जो है सारा पैसा जो है वो अपने क्षेत्र के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट का जो है वो खींचना चाहते थे। क्या मंत्री महोदय जो है वो केवल मात्र जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित है या एक जिला तक सीमित है? मैं बधाई देता हूं जो यहां के मुख्य सचिव है जिन्होंने कहा कि इस तरीके का भेदभाव नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं अगर ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम है इसको सही रूप से लागू किया जाए तो मैं इसको रोका नहीं जा सकता है ये जो प्राकृतिक आपदा है, परंतु ये जो जान का भारी नुकसान है, ये जो माल का भारी नुकसान है, इसको जो है कम किया जा सकता है। मैं समझता हूँ इस हादसे ने एक बहुत बड़ा सबक जो है हमारी सरकार को दिया है। अभी 18 और 19 तारीख को द्वारा से जो है ये भारी बारिश का अलर्ट है जी। क्या सरकार ने कोई तैयारी की है? मेरा प्रश्न ये है क्योंकि अगर हम योजनाबद्ध तरीके से जो शहरों का गाँव का विकास नहीं करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर जो है इस तरह के हादसे होंगे और बहुत से लोगों को जो है जान खोनी पड़ेगी। ये दुनिया का इतिहास हुआ है, परंतु ये जिम्मेवारी जो है योजना बनाकर कार्य करना सरकार का है और उस सरकार के योजना को लागू करने का कार्य जो है वो प्रशासन का है। आज जो है ये धर्मशाला कांगड़ा के अंदर हुआ है, अगर समय रहते जो है सरकार नहीं जागती है तो ये आने वाले समय में जो ये बारिश भारी बारिश का जो यहाँ पर अंदेशा जताया जा रहा है ये अन्य जिलों के अंदर भी इस प्रकार का नुकसान होगा। मैं समझता हूँ और मैं मांग करता हूँ आज की सरकार को जो लोग प्रभावित है उनके रहने का खाने का और जो उनका नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। जिनकी जान गई है उनको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है वो मुआवजा दिया जाए और जिनका जो है मकान गिर गया है, जिनका सारा सामान चला गया है, तुरंत जो है उनका जो है जो जीवन है उसको जो सामान्य करने के लिए प्रशासन जो है तुरंत मदद करे। बिल्कुल संजू जी, योजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से अगर लागू किया जाए तो हो सकता है कि जो नुकसान होने वाले हैं उसको थोड़ा कम किया जा सके। प्यार सिंह जी, देखिए संजू जी का कहना है कि कहीं ना कहीं जो योजनाएं सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा बनाया जा रहा है उसको ठीक तरीके से लागू नहीं किया जा रहा, आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि कई ऐसे सरकारी परियोजनाएं हैं जिनको नुकसान पहुंचा इस बाढ़ में, इस भारी बारिश में। मुझे नहीं लगता, मैं इनके राय से इत्तेफाक नहीं रखता, कुछ बातों पे मेरा बिल्कुल इनसे मानना सही है, इनकी बातें कुछ बातें सही है, पर ये जो इनकी बात है कि सरकार ने बेहतर ढंग से नहीं निपटा तो मैं इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी तक मैंने पहले भी कहा है कि बिल्कुल एकदम त्वरित कार्रवाई करते हुए NDRF की टीमें और प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे हैं। पर ठीक है, हमें हर घटना कुछ ना कुछ सिखाती है, तो प्रशासन इस पे और कुछ सीख के आगे बढ़ेगा और आगे आने वाले समय में और बेहतर कार्य करेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल संजू जी, क्योंकि सीएम जयराम ठाकुर द्वारा भी तमाम जो घोषणाएं की गई, आश्वस्त किया गया है कि जो भी पीड़ित लोग हैं उन तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाएगी, लेकिन क्या लगता है ये मदद की बात है? मदद सरकार द्वारा जरूर पहुँचाई जाएगी, लेकिन कैसे, किस तरीके से आने वाले समय में ये जो स्थिति है उस पर नियंत्रण किया जा सके? क्योंकि मुआवजा तो दे दिया जाएगा, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से हमने देखा है कि 3 दिन में फिर एक बार ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्या लगता है कि अगर प्रशासन और सरकार द्वारा स्थिति नियंत्रण में नहीं हुई तो क्या हालात और बदतर हो सकते हैं? मैंने ये कहा, इस जो घटना घटित हुई है, जो आपदा आई है, इसने हमें जो है दो सीख जो है वो स्पष्ट तौर पर दी है। एक कि अगर हम योजनाबद्ध विकास नहीं करेंगे, सही रूप से उसको लागू नहीं करेंगे तो इस प्रकार का नुकसान हम कभी नहीं रोक सकते और भारी जान माल का नुकसान जो है आने वाले समय में होगा, भविष्य में होगा। दूसरा, मैं ये कह रहा हूं कि आज हमारे जो लोग कांगड़ा में है, जो लोग इन लोगों के संपर्क में है, आज भी बहुत से लोग ऐसे है जिनको उचित मात्रा में जो राशन है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिनको रहने का स्थान जो है वो जो है प्रॉपर जो है वो मिला नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है जिला की, वो क्यों जो है वो आज तक अधिकांश लोगों तक नहीं पहुंच पाई है और उनको जो है पर्याप्त मात्रा में राशन है, शेल्टर है, वो जो है उपलब्ध नहीं करवा पाई है? ये तो सरकार को कमी माननी चाहिए कि मैंने भी देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जो है तुरंत वो हेलीकॉप्टर से जो है वो गए हैं। अब एक नया रिवाज इस देश के अंदर शुरू हो गया है कि हेलीकॉप्टर में आप चले जाओ, 4-5 जो है वो कैमरा या सरकारी कैमरे से जो है आप कर लो
कितने लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जो है वो प्रभावित लोगों को मिले हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जो है प्रभावित लोगों तक पहुंच जाते या उनके जो है उनका जो प्रशासनिक अमला है अगर वो जो है वहां तक पहुंच जाता, मैं स्वाभाविक तौर पे जो है माननीय मुख्यमंत्री और सरकार की जो है वो तारीफ करने में मैं गुरेज नहीं करता हूं, क्योंकि ये कार्य जो है ये स्वाभाविक तौर पे प्रशासन का काम है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो जिला की है उसका काम है। क्यों आज भी लोग ये कह रहे हैं कि हमें जो है उचित रूप में जो है पर्याप्त मात्रा में राशन नहीं मिल रहा है, क्यों जो है आज उनका जो रहने का जो इंतजाम है क्यों जो है वो सरकार नहीं कर पाई। और सबसे बड़ी बात क्या है जो आपने भी प्रश्न उठाया है जी, कि क्या भविष्य में उनको रिहैबिलिटेशन होगा, उनका पुनर्वास होगा। आज लोग पहले ही जो है कोरोना महामारी के चलते जो है त्रस्त है, बेरोजगारी है, लोगों का रोजगार चला गया है, लॉकडाउन के चलते ये कोरोना कर्फ्यू के चलते उनको काम से वंचित होना पड़ रहा है। आज जिसके ऊपर आपदा आई है, जिसकी छत सिन गई है, जिसका सब कुछ चला गया है, बिल्कुल संजू जी हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार द्वारा जो तमाम वादे किए गए हैं आश्वस्त करने के लिए लोगों को वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके साथ ही आने वाले समय में जो अलर्ट जारी किया गया है उसको नजर में रखते हुए जल्द से जल्द प्रशासन अलर्ट हो जाए और लोगों को कम नुकसान का सामना करना पड़े। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्यार सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।